Subscribe and press the bell icon for latest update. आम आदमी पार्टी ने बीजेपी सांसद मनोज तिवारी पर बेहद ही गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि लग रहा है कि मनोज तिवारी का मैक्स अस्पताल की तरफदारी करना शायद इसलिए हुआ था कि कोई उनके बीच डील हुई थी। साथियों, आपको ये ध्यान होगा कि कुछ दिनों पहले कई अनियमितताओं के कारण दिल्ली में शालीमार बाग के मैक्स हॉस्पिटल का लाइसेंस दिल्ली की चुनी हुई सरकार ने कैंसिल किया था। इसके ऊपर काफ़ी चर्चा हुई थी, अलग अलग लोगों ने अपनी राय सामने रखी थी। खासकर भाजपा और भाजपा के नेता इस बात से बहुत दुखी थे कि मैक्स का जो लाइसेंस है वो क्यों कैंसिल किया गया। ये मामला कुछ दिनों पहले एपेलेंट अथॉरिटी के पास आया और बहुत हैरानी की बात है कि एपेलेंट अथॉरिटी ने इनका जो लाइसेंस रद्द करने का दिल्ली की चुनी हुई सरकार का जो फैसला था उसको स्टे कर दिया है। यानी कि आज से मैक्स शालीमार बाग को दोबारा से बहाल कर दिया गया है। हमारा ये मानना है कि जब भी चुनी हुई सरकार लोगों के हकों के लिए कोई ठोस और कठोर कार्रवाई करती है तब कहीं ना कहीं केंद्र के नुमाइंदे उसके अंदर उन लोगों को राहत देते हैं। बुराड़ी के अंदर जब राशन की दुकान के ऊपर हमारे विधायक ने अफसरों के साथ छापा मारा, राशन के अंदर बड़ा भ्रष्टाचार पकड़ा, उन दुकानों को सील कराया गया, तब भी अपील एलजी साहब के पास पहुंची और एलजी साहब ने उन राशन के दुकानदारों को, भ्रष्टाचारियों को राहत दी और उल्टा हमारे विधायक के ऊपर मुकदमा दर्ज करने का ऑर्डर दिया। एसपीएनआई न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।